राज्य कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ता देने, लिपिक संवर्ग के वेतनमान संगति को दूर करने, स्थायी कर्मियों को नियमित कर्मचारियों की भांति सुविधाएं देने, शिक्षा एवं संविदा संवर्ग की समस्याएं दूर करने, चतुर वर्ग के पद नाम परिवर्तन आदि विभिन्न मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से मांग पत्र सौंपा गया। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस संगठन की मांग है, राज्य कर्मचारियों की विभिन्न मांगे हैं जो बहुत दिनों से लंबित है, जिसमें महंगाई भत्ते की प्रमुख मांग है। आज संगठन के प्रदेश कार्यालय में भी प्रदर्शन किया गया। उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस की जिला इकाई द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन भेजा जा रहा है, जिसमें राज्य कर्मचारियों की लंबित महंगाई भत्ता और केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता की मांग है। लिपिक वर्ग की वेतन विसंगति तत्काल दूर की जाए। बहुत दिनों से इसके प्रकरण शासन स्तर पर लंबित हैं। स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए, साथ ही उनको नियमित कर्मचारियों की भांति अवकाश सुविधाएं प्रदान की जाए, संविदा कर्मियों की सेवा शर्तें तथा प्रदेश के अध्यापकों के वेतनमान और व्याप्त विसंगति दूर कर शिक्षक संवर्ग और चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन की जो राज्य शासन पर मांग लंबित है, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस का ये आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर्मचारियों के हितों के प्रति यदि संवेदनशील हैं, तो शीघ्र जो हमारा मांग पत्र है उस पर शीघ्र कार्यवाही कर शासनादेश जारी करें।